नमस्कार, आपका स्वागत है गपशप न्यूज में। चीन के सुप्रीम लीडर शी जिनपिंग का आक्रामक रूप भारी पड़ सकता है। वे इसके जरिए भले ही ये दिखाना चाह रहे हो कि कोरोना वायरस के बाद उनके आर्थिक और कूटनीतिक तौर पर कोई झटका नहीं लगा हो, मगर जिस तरह भारत समेत कई देशों ने चीन का प्रतिकार किया है, चीन का ये इरादा अब फेल हो सकता है। अपनी पार्टी या सरकारी मशीनरी पर शी जिनपिंग का कंट्रोल वैसे ही बरकरार है, लेकिन हर चीज की चेयरमैन कहे जाने वाले शी जिनपिंग की अब चाल धीमी पड़ गई है। चीन एक बार फिर आर्थिक गिरावट झेल रहा है। पश्चिमी देशों का मूड उनके खिलाफ हो गया है। इनमें से कई देश तो ऐसे हैं जिनके साथ चीन का अच्छा रिश्ता था। विदेश जाकर काम, पढ़ाई या घूमने वाले रईस चीनियों को भी इस बात का एहसास हो चुका है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नेटवर्क इसलिए बनाया गया था ताकि चीन के राजनीतिक हित साधे जा सके और दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता कम हो सके। इस प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है। कई देश कर्ज को रीशेड्यूल करने की भी मांग कर रहे हैं। चीन ने हफ्तों तक कोविड-19 की बात छिपाई, इससे भी इस पहल पर नकारात्मक असर हुआ है। चीन ने हाल ही में जो आक्रामक रूप निभाया है, उसका मकसद अपने पड़ोसियों को याद दिलाना था कि वह दोयम दर्जे पर है। हालांकि शी जिनपिंग का ये दाव ठीक नहीं बैठा। LAC पर जब चीन ने घुसपैठ की तो भारत ने करारा जवाब दिया। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने भी इम्पोर्ट बंद करने की चीन की धमकी को नज़रअंदाज किया है और चीनी सैनिकों को आने पर रोक भी लगा दी गई है। दूसरी तरफ हांगकांग के लिए नए कानून बनाकर चीन को वैश्विक स्तर पर आलोचना झेलनी पड़ रही है। अभी भले ही राष्ट्रवाद पर सवार होकर शी जिनपिंग इस चुनौतियों से निपट ले, मगर पार्टी के भीतर अपनी हनक बरकरार रखना आसान नहीं होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।